उत्तरकाशी जाने के लिए यहाँ तक रोड काफ़ी वर्स्ट थी, सिंगल लेन थी, कहीं कहीं रोड सही थी लेकिन कहीं कहीं रोड काफ़ी खराब थी, लेकिन अब यहाँ से कह रहे हैं कि रोड काफ़ी अच्छी है। देख तो गाइस ये आ गया है धारसू बैंड, अगर हम राइट में जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, हम पहुंच जाएंगे ऋषिकेश, और अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो एक्सीडेंट हो गया भाई। हे गाइस, अगर फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेडीएस टॉवर में। सो घर से निकले मुझे छठा दिन हो गया है और मौसम देखो भाई क्या खतरनाक है। वैसे आज उत्तराखंड में येलो अलर्ट है तो यहाँ पे थंडर स्टॉर्म और रेन हो सकती है कुछ कुछ इलाकों में, जैसे उत्तरकाशी देवप्रयाग में, तो उसके लिए मैं रेडी हो चुका हूँ। मैंने रेन कवर निकाल लिया है और सामान मैंने अपना पैक कर दिया है। डे 6 और आज हम जाएंगे बरकोट से उत्तरकाशी या हासिल, ये डिपेंड करेगा वेदर पे। अगर वेदर सही रहा तो मैं हासिल तक जाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो उत्तरकाशी में स्टे ले लेंगे। तो चलिए अब लगाते हैं अपना बैकपैक बाइक में और निकलते हैं आपको सीधा बाहर। सो गाइस, जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका था वो है प्रियंका रेस्टोरेंट के यहाँ पे, और उनके भाई थे शिवाजी, उन्होंने मुझे काफ़ी स्पेस प्रोवाइड किया और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। तो आप जब भी बरकोट की तरफ आए तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ की तरफ जरूर रह गए, यहाँ पे आपको काफ़ी रूम की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके साथ साथ आपका रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है, खाने की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो भाई कभी और आएंगे तो सुन लेंगे, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे सफ़र करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि मौसम हो चुका बताया अब ख़राब हो रहा है तो फोटो ब्लॉगिंग तो हो नहीं पाएगी, मे बी जहाँ पे मौसम सही होगा वहाँ से हम फोटो ब्लॉगिंग करते हैं। सो गाइस, हमारी बाइक लेफ्ट लोड हो चुकी है और मौसम भी हल्का हल्का खुल चुका है, इसे आप देख रहे धूप आ गई है और हल्की की बाइक भाई। तो गाइस, अगर आप भी मित्र चारधाम की यात्रा कर रहे हैं और आपका पहला पड़ाव यमुनोत्री है और अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पहला स्टे बरकोट या फिर नौगांव में लीजिए, क्योंकि वहां से आप नेक्स्ट डे इजीली जानकी चट्टी के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको कवर करने पड़ेंगे ओनली 48 किलोमीटर, जिसको टाइम कंज्यूम होगा आपका 2 घंटे। तो बरकोट चूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर आपको ईजिली आपको अकोमोडेशन मिल जाएंगे अफोर्डेबल रेंज में, और अगर जैसे ही और आप आगे जाएंगे बरकोट से जानकी चट्टी के लिए, वहाँ पे एक तो आपको लिमिटेड अकोमोडेशन मिलेंगे और दूसरी बात वहाँ के जो होटल है या फिर लॉज है या फिर गेस्ट हाउस है वहाँ के काफ़ी हाई चार्जेस पे करते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे लिमिटेड है और काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं, तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बरकोट ही रुकिए और नेक्स्ट डे वहाँ से अपनी जानकी चट्टी के लिए या यमुनोत्री के लिए अपनी चढ़ाई कीजिए। तो कुछ ऐसे तो इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद भी आएगी और काफ़ी काम भी आएगा आपके। भाई नज़ारे देख रहे हो क्या खतरनाक है, चारों तरफ पाइन फॉरेस्ट और बीच में ब्यूटीफुल रोड, लेकिन भाई थोड़ा प्रिकॉशन के साथ चलाना पड़ेगा, कॉशन के साथ चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ भी होगा ना मिस हैपनिंग तो लग जाएंगे हेल्प अपने, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आने वाला हेल्प करने के लिए, क्योंकि दूर दूर तक बंदे दिख नहीं रहे यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत अलर्ट होकर चलाओ भाई। तो गाइज ये आ चुका है ब्रह्मखाल और यहाँ पे हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, तो चलिए देखते हैं पहले कहीं रेस्टोरेंट मिलता है वहीं पे अपना पहला हॉल्ट लेते हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर बॉडी को हाइड्रेट और एनर्जेटिक करके आगे निकलना है। और ब्रह्मखाल में और हो चुके मॉर्निंग के 10, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हॉल्ट लिया जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, यहाँ पर करेंगे ब्रेकफास्ट और नज़ारे यहाँ के क्या खूबसूरत आप देखिए, खुद ही पीछे हल्का सा लग रहा है, मुझे लग रहा है मौसम ख़राब है,
देखते क्या होता है। अब यहाँ तक की रोड कंडीशन क्या थी, उत्तरकाशी जाने के लिए यहाँ तक रोड काफ़ी वर्स्ट थी, सिंगल लेन थी, कहीं कहीं रोड सही थी लेकिन कहीं कहीं रोड काफ़ी खराब थी। लेकिन अब यहाँ से कह रहे हैं कि रोड काफ़ी अच्छी है, देखते हैं। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हासिल है 150 किलोमीटर। अगर रोड कंडीशन अच्छी हुई तो अभी बजे 10 तो हम पहुँच जाएंगे, लगभग 3 बजे तक पहुँच ही जाएंगे हर्षिल वैली में। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट, तब तक आप लुफ उठाइए यहाँ के ब्यूटीफुल टूर। तो गाइस ये है ब्रह्मखाल, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, और जहाँ पे मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया था वहाँ पे भैया ने बताया कि यहाँ पे है इंडिया का दूसरा ब्रह्मा जी का टेम्पल, जो केवल आपको मिलेगा यहीं पे। पहला तो आपको पता ही है, पहला तो आपको वहीं है पुष्कर में और दूसरा है ब्रह्मखाल में। और ये इधर ऊपर ऑरेंज कलर का, यही है वो मंदिर पेट्रोल पम्प। और भाई ये उत्तराखंड में मुझे 11-11 पेड़ इस मिनट में बहुत मिले भाई, गजब यार वाले पर्पल कलर के फ्लावर्स। और के मॉर्निंग के 10:40 और जस्ट मैंने अभी क्रॉस किया ब्रह्मखाल, और मुझे निकले हुए 2 घंटे 40 मिनट हो गए, और मैंने कवर किया 56.6। 3 घंटे में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर करे, जो 20 का एवरेज दे रहा है भाई, बेकार 20 की एवरेज से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। रीज़न पता है क्या है, रीज़न था कि वहाँ पे हिली एरिया में रोड की कंडीशन काफ़ी वर्स थी, सिंगल लेन थी, वो भी रोड टूटी हुई थी, जिसकी वजह से क्या है ना, फोर व्हीलर पास नहीं देते भाई, देते नहीं है, मतलब कहने का मतलब स्पेस ही हो उनके पास, कहाँ से देंगे पास भाई, तो उन्हीं के पीछे चलना पड़ता है जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है, फिर वो पास देते हैं फिर निकल पाते हैं। इसकी वजह से हमारी स्पीड काफ़ी एवरेज स्पीड बेकार हो जा रही है भाई, नज़ारे देखो। तो हर्षिल में एक काफ़ी एंशियंट टाइम का वो रास्ता है जो केवल वुडन से बना हुआ है, आपने काफ़ी रील्स में देखा होगा, वीडियो में देखा, तो मेरा प्लान है वहाँ जाने का, अगर टाइम मिला तो पक्का वहाँ एक्सप्लोर करूँगा। तो अगर देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं हर्षिल, फिर वहाँ से उसके लिए निकलते हैं। तो गाइस ये आ गया है धारसू बैंड, अगर हम राइट में जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ पर, हम पहुँच जाएंगे ऋषिकेश, और अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे गंगोत्री। अभी यहाँ से पता करते हैं, ऋषिकेश है यहाँ से 140 किलोमीटर, अगर आप ब्लैट हर्षल में जाएंगे तो आप पहुँचेंगे ऋषिकेश, और हरिद्वार बन सकती 7, हनुमान चट्टी भी यहाँ से 95 और 109। हम जाना है कहाँ पे, हमें जाना है गंगोत्री। तो ये टाइजेशन पॉइंट है धारसू बैंड, यहाँ से आपको इजी टैक्सी भी मिल जाएगी, अगर आपको गंगोत्री जाना है या फिर यमुनोत्री जाना है तो आपको यहाँ से हनुमान चट्टी या फिर जानकी चट्टी तक आपको ईजिली टैक्सी मिल सकती है। अगर आप ऋषिकेश से अगर यमुनोत्री की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश से धारसू बैंड तक आप आराम से किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं, फिर यहाँ से आपको गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए ईजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सकते हैं। तो कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। एक्सीडेंट हो गया भाई, छोड़ो भाई, पुलिस वाले आ गए, वो अपना काम कर लेंगे, वो पुलिस वाले नहीं आते तो मैं कुछ ख्याल भी करता हूँ, फिर ऑलरेडी लोग हैं, पुलिस है, क्या करना, फिर वो अपना वो कर लेंगे जो करना है। वही ना, रोड अच्छी है, लोग वी आर वेलकम इन देवभूमि। तो उत्तरकाशी 14 किलोमीटर दूर है गंगानी यहाँ से 57। तो अगर आप भी 4 दिन की यात्रा कर रहे हो और आपने यमुनोत्री से गंगोत्री जाना है
तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या रुकते हैं स्टे करने के, तो आप पहले वैसे आप लंबा स्ट्रेच कर सकते हैं एक ही बार में, तो आप सीधा गंगोत्री पहुँच सकते हैं, तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 190 या 200 के समथिंग के बीच में है, तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि रोड की कंडीशन देखिएगा कैसी है। बस स्टार्टिंग का स्ट्रेच जो है थोड़ा ख़राब है, लेकिन उसके बाद ये रोड की कंडीशन ये है, तो यहाँ पे गाड़ी आपके अराउंड से 80-90 किलोमीटर जा सकती है अगर आप भगा सकते हो। ऐसा लगा मेरा मजाक। लेकिन अगर आपको स्ट्रेच को बीच में ब्रेक करके आपको लगे कि इस स्ट्रेच में नहीं जाना है, तो आप इजीली स्टे कर सकते हैं उत्तरकाशी में, जो कि बरकोट से अराउंड 89 किलोमीटर है, जो आप हार्डली 3-4 घंटे में इजी पहुंच जाओगे। अगर आप उत्तरकाशी में भी नहीं रुकना चाहते तो आप जा सकते हैं गंगनानी, जो वहां से थोड़ा सा और दूर है, अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर दूर है, तो आप वहां पर करते हैं। लेकिन अभी गंगानी गया 57, तो वहां पर भी आप स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी ईजी ऑप्शन है। और अगर आप वहाँ पे भी नहीं करना चाहते तो आप हर्षिल में कर सकते हैं। हर्षिल में भी काफ़ी एंशियंट टाइम का एक ब्रिज हुआ करता है, जो कि काफ़ी पहले वहाँ पे लोग इसके लिए, जो हमारी रोड नहीं बनी पाई थी बॉर्डर में, तो उस टाइम में लोग कम्यूट करते थे एक घंटे से दूसरे घंटे के लिए, तो वो काफ़ी रेशम मार्ग है, नहीं सुना आपने, तो वही वाला मार्ग था जहाँ पे लोग व्यापारी लोग अपने आने जाने के लिए यूज़ किया करते थे। तो वहाँ पे भी आप वो चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप हर्षिल में रुकना चाहते, तो अगर हर्षिल में रुकना नहीं चाहते तो फिर आप सीधा गंगोत्री आ जाइए। और नेक्स्ट डे वैसे गंगोत्री और हर्षिल की डिस्टेंस 26 किलोमीटर ही दूरी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हर्षिल में रुकिए और इन द मॉर्निंग आप गंगोत्री जाके धाम के दर्शन कर लीजिए, सबसे ईजी आपका वही रहेगा। भाई अटल टनल के बाद में पहली बार किसी टनल में जा रहा हूँ, तो ये उत्तरकाशी वाला टनल। तो गाइस वर्चुअली स्वागत है आप सभी का उत्तरकाशी में। तो यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है पता ही है आपको, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर और मणिकर्णिका घाट यहाँ पे मिलेगा आपको। तो अगर आप आ रहे हैं गंगोत्री दर्शन के लिए तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम भी चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊँगा ब्यूटीफुल एरियल व्यू। वैसे मेरा कुछ रुकने का प्लान तो नहीं है, बस केवल मैं दर्शन कर लेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए, तो ये है गाइस श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और चलते हैं मंदिर के अंदर।